बस पंडित जी को बुलाया है और शादी की। भैया मटका किसका है? रेडी को लेके जा रही है। हमारी जो डिक्की है ना, मेहंदी हल्दी जागो, हमारे घर में लाइट चली गई है। एक फाइल मान लो ना मेरी। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। तो आज मैं देने वाली हूँ आपको बहुत बड़ी खुशखबरी, जो कि मेरे लिए है, आप सभी के लिए भी है। तो मेरी जो शादी की डेट है वो फाइनल होने वाली है। आज आने वाले हैं पंडित जी। तो सुबह के बज चुके हैं 12 और बस पंडित जी को बुलाया है, आपको भी डेट बता दूंगी। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटे? मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। बहुत पुराना हो गया। क्या पुराना हो गया? ये डायलॉग। मम्मी बेटा शॉपिंग करने जा रही है, मम्मी की शादी है, उसके लिए राशन लेने जा रही है इकट्ठा। अच्छा चलो ठीक है, आपको क्या चाहिए? राशन मुझे बता, मैं ले आती हूँ। नहीं सुनो, अभी हम राशन लेने नहीं जा रहे हैं। राशन लेने नहीं, आँख नहीं पारी चीकू, यहाँ से कैसे दिख रहा है आपको? आँख दिख रहा है, मुझे दिख गया। नहीं सच बोल रही चीकू, सुनो आप सो जाओ थोड़ी देर, फिर हम साथ चलेंगे सारे। बहुत टाइम से टी शर्ट पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा टी शर्ट निकाल देती हूँ, तो मैं और पाई पहनेंगे न्यू टी शर्ट है। अच्छे लग रहे हैं कलर? हाँ अच्छा लग रहा है दोनों। क्या क्या लेके आना बता दे एक बार मेरे को। राशन में? हाँ सब्जी सब्जी सारा कुछ लेने जा। नहीं नहीं मैं बस राशन लेने जा रही हूँ। दाले वाले? दाले ले आना, दाले चावल चीनी ये सब ले आऊँ। एक हरी वाली। शांति तेरे को इतने सारे सूट दिए हैं, तो ये सूट क्यों पहन रखी? फट गया ये, इधर से भी फटा है। मत पहन, उनको फिटिंग करा के वो पहन। चले गोलू, चल लाइटें बंद करती घर की मैं सारी। चल बंद कर फटाफट निकल। तो आज हम जा रहे हैं घर की और शादी की सारी ग्रोसरी लेने, तो बहुत सारी ग्रोसरी होगी, बहुत टाइम लगने वाला है हमें वहाँ। लगेगा 2-3 घंटे पक्का पक्का। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, तो साथ में अपना पानी लेना बहुत जरूरी है। ज्यादा धूप में हम राशन लेने जा रहे हैं ना, बहुत ज्यादा, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है, देख सकते हो। तो आज जो गाड़ी है फुल चमक रही है, पर मतलब लग नहीं रहा गाड़ी है, लग नहीं रहा हमारी गाड़ी है। अभी मैं चमका के रखता हूँ इसको। हाँ भैया फुल चमक रही है। बंदा इतनी गर्मी में खाना खाए तो खाए कैसे, हजम ही नहीं होगा। मैंने तो कुछ नहीं खाया सुबह से। सही बात है, ये सिर्फ तो चाय और पानी पिया। तू तो रहने दे, ढाई पराठे खा के बैठी भैया आलू के, और कह रही सही बात है। मैंने सुबह खाया था 1.5, अभी खाया एक, तो 2.5 हो गए ना। भैया मटका किसका है? इनका ही है, मट्टी का है। हाँ हाँ वही, मतलब कौन है आप? सारे टूटी वाले हैं। छोटा मीडियम या फुल साइज? फुल साइज दे दो। ज्यादा बड़ा मीडियम? मीडियम दे दो, मीडियम 300 का। तो भाई हम लाए हैं मटका, और मटके का पानी गोलू कैसा होता है? बहुत टेस्टी होता है, मुझे बहुत पसंद है। बहुत दिन से बोलती है मटका मटका मटका, हो गया काम है ना। और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। हाँ बड़ी अच्छी लगती है। हार्पिक लूं? हार्पिक ले लेते हैं, लाइजोल भी ले लेते हैं। हाँ लाइजोल ले लें, 4 ले लेती हूँ हार्पिक ना। ठीक है बहुत है ना, दो नीचे के दो ऊपर के। 4 साबुन ले लूं? ऑलरेडी घर पे रखे हुए हैं 4 डब्बे, नीचे मैंने चेक किया था, 2 ही ले लें। ठीक है। तो रेडी को लेके जा रही है? मैं चली जाती हूँ। नहीं चलना, इसी को लेके चलेंगे। ये वाला टाइट के लिए है, नीचे के लिए। चल ठीक है, कम्फर्ट है, खत्म हो जाएगा। एक ही डब्बा पड़ा है, एक ही है, है? मैंने चेक किया था, वो जो हम लेके नहीं थे एक के साथ एक फ्री वाला, उसने दूसरा वाला शांति ने खोल लिया, सिर्फ एक ही रखा हुआ डब्बा। कितने पैकेट लूँ रस? रस तो काफी सारे ले लें क्योंकि शादी में सब खाते। कितने लूँ? 4 पैकेट बहुत है, और मंगवा लेंगे। 6 लूँ 8 लूँ? 8 ले ले। एक ये ले लेती हूँ, रायता बूंदी है कि खत्म है? बिल्कुल खत्म है, उस दिन बनाना था, खा नहीं। 2 पैकेट ले लेती हूँ। 1 लूँ 2 लूँ? एक लूँ 2 लूँ? एक लड़ी ले ले। 2 ले लेती हूँ। ले ले, इधर छोटी है। 3 ले लूँ 2 ले लूँ? 3 पैकेट बहुत है। 6 लूँ 8 लूँ? मैगी 10 पैकेट ले ले। ये वाली 2 लाल ले लेती हूँ ना। ठीक है लो, भी अभी लेते हैं इस बार ना 2 राजमा। उनके पास वो टावल वाला नहीं आ रहा ना, टिश्यू अभी जो हम पहले लेके गए थे। हाँ वो नहीं है ना, बहुत है 5। तो ये सारी की सारी जो ट्रॉली हमारी है, 1 ट्रॉली 2 ट्रॉली 3 ट्रॉली 4 ट्रॉली, जो इसके अंदर हमने लिया 100 किलो आटा और बहुत सारा सामान लिया, 4 ट्रॉली पूरी भर चुकी है। अब इन सारे के सारे सामानों को हम भी पैक करवाना है, पैक करा के गाड़ी में रखेंगे। चीकू आप इतनी मेहनत मत करो बेटा, सामान लेने में टाइम नहीं लगता जितना सामान पैक करने में टाइम लगता है, क्योंकि जो बहुत सारा सामान है ऐसे लेके नहीं जा सकते। बड़ी बड़ी चीजें जो है, आटा हो गया, चीनी हो गई, चावल हो गए, टिश्यूज हो गए, तो हम ऐसे ही रख लेंगे, बट जो छोटा मोटा सामान है सबको पैक करवाना है। बाहर इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, हम गर्मी में सारा का सारा सामान पैक करवा रहे हैं। चीकू क्या हो बेटी? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं पसंद मेरा। 26,000 का सामान लिया हमने, सारा का सारा टोटल, और उस पे पाइल ये फ्री मिला है, हम खाते भी नहीं है। मतलब इतना बड़ा गिफ्ट है, इतना बड़ा गिफ्ट है, कैसे खत्म करेंगे हम लोग। नितिन भैया गाड़ी को थोड़ा ऐसे लगा रहे ताकि जो ये सामान है सारा सारा गाड़ी में शिफ्ट हो जाए, किसकी हम पैकिंग नहीं कराएंगे। आटा ही आटा एज इट इज का एज इट इज गाड़ी में रखवा देंगे। ये जो सामान है ये हम खुद ही रख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है भीड़ है, उन भैया के पास टाइम नहीं है सब पैक करने के लिए, तो हम ये ऐसे एज इट इज रख रहे हैं। हमारी जो डिक्की है ना ओवरलोड हो गई है, मतलब सारा का सारा जो सामान है इसके अंदर आ चुका है,
मतलब पूरी डिक्की फुल कर चुकी है, अब मैं इसको कर दूंगी बंद क्योंकि इसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं है। और ये दो कट्टे और आ गए, ये आगे जाएंगे। जो चीकू का सामान है ना वो सारा का सारा मैंने इधर रख दिया, इसके गेम्स का सामान, खाने पीने का सामान, ताकि घर जाके रोए ना कि मम्मा इनमें से पहले मेरा सामान निकाल के दो। हाँ बेटा ये आपका सामान है, ठीक है। और अपनी सीट के पास मैंने बटर रख लिया और बिस्किट और रस रख लिया ताकि टूटे ना। कहाँ से लाए बेटी? ये अपने घर पे ना पे रखा था, मैंने ले लिया। ओ मेरा बच्चा, आपको इतनी टेंशन है मेरी शादी के मेकअप के लिए? हाँ। ओ मेरा बाबू बच्चा, मेरा योना मोना मुंद्रा, ये इतना प्यार इसलिए आ रहा है चीकू को क्योंकि चीकू ने लिया है इतना सारा सामान सिर्फ अपने लिए। नहीं मम्मा, जब मैं उठाया था जब मैं हो गया, जब तो मैंने लिया भी नहीं था। आज ज्यादा खाना नहीं बनवाया हमने क्योंकि तीन चार लोग ही हैं हम घर पे, तो मैंने बनवाई सिर्फ सूखे आलू और ये दाल चावल बने थे दोपहर में। तो ये जो हमने मटका लिया है ना ये पूरा भरा था शांति ने, और ये हो गया आधा क्योंकि ये जो मिट्टी है ना ये पानी पी रही है, अभी चूस रही है पानी पूरा। तो कब तक पीती रहेगी? दो तीन दिन तो लगेंगे इसे पूरा सेट होने में। मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ यार, क्या हो गया? देख शादी का एंगेजमेंट की ड्रेस तुम्हारी भारी भारी होगी है। हाँ। बाकी बचे मेहंदी हल्दी जागो, तो मैं ये सोच रही हूँ कौन सा क्या होगा, ज्वेलरी कैसी होगी क्या, क्योंकि चप्पलों की तो टेंशन नहीं है। मैं तो बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल हल्के कपड़े पहनूंगी क्योंकि गर्मी इतनी होगी, गर्मी तो बहुत होगी, तो वो भारी भारी पहनने का कोई फायदा नहीं है, मैं सिंपल पहनूंगी बिल्कुल। चिपकन को जो ढूंढने का टास्क होता है ना काफी बड़ा टास्क होता है, मतलब चिपकन फिर गायब हो गया, अपने घर पे नहीं है, मैं देख कर आई, अब ये नहीं पता चिपकन कहाँ पर है, किस पर्दे के पीछे चिपका हुआ है, कुछ नहीं पता, कभी कभी तो ऊपर चला जाता है ये यहाँ पे। जिमी है ना पूरी रात जागता है और दोपहर को सोता है। पायल कैमरे में देखो कितना मैला लग रहा है, सामने से नहीं लग रहा, कैमरे में बहुत मैला लग रहा है। कलर इसको बोल लग रहा है, कलर इसका ऐसा है, ये पूरा दिन सोता है पूरा दिन और पूरी रात जागता है लड़का। देखिए मेरी काजल फैली हुई है पूरी, है ही नहीं मेरे हाथों में है, देख देख के वापस डाल दे, कोई गंदगी नहीं मचानी अभी बिल्कुल भी। पायल बड़ी बोरिंग मूवी है यार ये, कोई और चलाएं। मुझे अच्छी लग रही है तो मुझे दे, अभी चेंज करते हैं। इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा चिकू, मुझे लग रहा है इंडेस, मुझे आ रहा है इंडेस। इंटेस्ट क्या होता है? इंडेस। सर पे ना 10 किलो तेल लगाओ, रात को मैंने काफी ज्यादा तेल लगा लिया था क्योंकि काफी ज्यादा कर्ल्स करे थे और केमिकल यूज हुआ था, सोचा कि तेल लगाऊं, तो आज पूरा दिन तेल लगा के रखा था, इसी में हम शॉपिंग करके आ गए, तो मैं अब जाकर शावर लेकर आती हूं। ये मिठाई है मेरी शादी की डेट फिक्स होने की, जो कि सब लोग खा चुके हैं। नितिन भैया आपने खाई? हां जी भाभी, सबको खिलाई थी, कालू भैया, नितिन भैया, सबको खिलाई थी, नीचे बच्चे रह गए, बच्चे रह गए हमारे, उनको भी बुला के खिला देते हैं। हमारे घर में लाइट चली गई है, देख सकते हो आप कितना काला काला दिख रहा है सब कुछ, लाइट चली गई है, चीकू यहाँ खेल रहा है नितिन भैया के साथ। मम्मा, हाँ जी, मूवी थिएटर बना ले घर पे, मूवी थिएटर बना ले। हाँ। क्या करना है फिर बताओ? पॉपकॉर्न बना लूं? हाँ। चीकू चच्चू मार्केट जा रहे हैं, आपको जाना है तो बोलो, चच्चू मार्केट जा रहे हैं, पता नहीं क्या करने जाना है आपको, पॉपकॉर्न बन गए ना, चलो फिर अंदर चलो चलो। पापा फोन आया ना, कुछ अर्जेंट बात कर रहे हैं बेटा। हाँ अंधेरे में देखे थे, अंधेरा होता है मूवी थिएटर में, तो अंधेरा करके देख लेंगे, मूवी थिएटर बना लेंगे, ठीक है। पायल कल चीकू की स्केटिंग क्लास है। हाँ मुझे पता है, कल मंडे है ना। हाँ कल मंडे है, तो एक काम करूंगी, सोने से पहले इसके नेल्स कट और इसकी स्केटिंग के जो टूल्स है सारे बाहर रख दूंगी। पिछली बार याद है मैम ने कहा था इतने सारे बैग मत भेजो, तो किसने भेजे इसको, एक बैग में सब कुछ कैसे आएगा, फट जाएगा बैग तो। एक बैग वो जो जिसमें सब्जी उब्जी नहीं आती, बड़ा था 24x7 वाला। हाँ। उसमें डाल दूँ, उसमें मम्मी पढ़ने के लिए मना कर रहा था। तो किसमें डाल के देना है? पता नहीं, बैग में, बड़े से। ठीक है बड़ा बैग में डाल दूंगी, ट्रॉली में भेज देते हैं। हाँ। ट्रॉली थोड़ी कोई लेके जाता है, ये मैं तो लेके आई थी छोटी सी बच्ची, तो तेरे लिए ट्रॉली वो अलग वाली लेके आनी पड़ेगी। हाँ ट्रॉली सही लगती है ट्रॉली। देखो मूवी देखते देखते अपना होमवर्क फिनिश कर लो फटाफट, ठीक है, मूवी देखते रहो और होमवर्क फिनिश करते रहो। ओके बेबी, ओके मेरा गुड्डू बॉय, मेरा बीटू, मेरा शूंद। हाँ जी, स्टॉप करके रहते हैं, काम हो गया, देख लेंगे। हाँ ठीक है मम्मा। हाँ जी, एक ख्वाहिश मान लो ना मेरी। क्या ख्वाहिश है आपकी? थोड़ी देर में होमवर्क कर लूँ क्या? ठीक है थोड़ी देर में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो साथ को कैसी मस्ती छा रही है, देखो कैसी मस्ती छा रही है इसको, देखो देखो जी को कैसी मस्ती छा रही है ना इसको। इसका जागने का टाइम हो गया, अब हमारा सोने का टाइम होगा तो इसका जागने का टाइम होगा। पायल हमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। क्या हुआ? हमने हर फ्राइडे चीकू को मीठा नहीं देना, तो हम तो हर फ्राइडे मीठा देते हैं। 15 अप्रैल को चीकू को था बैसाखी का वीट देना था, ठीक है, तो हमने दे दिया हलवा। उसके अगले हफ्ते था 22 तारीख को उसको पटेटो देना था, फिर 29 तारीख को चीकू को भिंडी देनी थी। एक काम कर, इसका जो ये मेन्यू है ना ये अपने पास रख, है ना, इसके हिसाब से इसका रोज लंच बन जाएगा। अब सुन, अब जो अब ये फ्राइडे नहीं है ना 6 तारीख को। हाँ। तो देख चीकू को 6 तारीख को सोयाबीन देनी है,
ठीक है तो मतलब हर फ्राइडे चिकू का अलग अलग मेन्यू, हम तो हर फ्राइडे मीठा देते हैं। मुझे लगा हर फ्राइडे मीठा देना होता है इसको। मुझे भी ये लगा था हर फ्राइडे मीठा होता है। चल ठीक है आपकी बात ना, ये मेन्यू मेरे को दे दे, ये मेन्यू मैं किचन में रख लूंगी, रोज पहले एक दिन पहले देख लूंगी इसको क्या देना है, फिर वही बना के दूंगी। अब देख इस फ्राइडे 6 अप्रैल को इसको देना सोयाबीन है, उसके बाद सैंडविच देना है, उसके बाद चीकू को प्लांट दे के आना है। अच्छा अभी सैंडविच दिया था मैंने इसको लास्ट टाइम, ये खा के भी नहीं आया है ना चीकू। उस दिन भिंडी देनी थी मैंने, उस दिन सैंडविच बना के दी थी। कोई बात नहीं, बहुत देर हो गई आपको मूवी देखते देखते, अब अपना होमवर्क खत्म करो फटाफट। स्टॉप करके हाँ फिर मैं स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है आप अपना होमवर्क खत्म करो फटाफट। चीकू अच्छे से लिखो बेटा, बहुत ही बढ़िया सुंदर सुंदर लिखो, छोनी मोनी बद्री मेरी कुत्रू पुत्रू। क्यों के बाद क्या आते हैं? तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, गुड नाइट।